मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ऐसी घटिया हरकत सिर्फ शीरीन कर सकती थी। मैंने खुद उसकी जुबान से एतराफ सुना। तो फिर आंटी सारा इल्जाम अपने सर पे क्यों लेंगी? नाजिया की वजह से। वो नहीं चाहती थी कि शीरीन पे उंगली उठे तो नाजिया भी उसकी जद में आए। आपकी शीरीन से बात हुई? अब बात करने को क्या रह गया? मुझे इतना तो पता है कि शीरी अपनी इस हरकत पे शर्मिंदा जरूर होगी। मुझे उसकी शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चली गई है वो अक्षम के साथ, ना सिर्फ इस घर से बल्कि मेरी जिंदगी से भी। ऐसे तो मत कहें अदन। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सोमिया, प्लीज शीरी के बाद प्लीज मेरे सामने आज के बाद बात मत कीजिएगा आप। मोहब्बत तो मुझे उससे कभी भी नहीं थी, लेकिन अब वो नफरत के काबिल भी नहीं रही है। दिल जार जार रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा ना तुमसे मिले कुछ कम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या ना करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना करेंगे याद बड़ा तुझको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, सब खैरियत तो है ना? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत तो है। बस अगर आज मैंने फोन नहीं किया होता तो फिर मेरी खैर नहीं होती। क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हैप्पी बर्थडे सोमिया। मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरी बर्थडे है। थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू टू, खुश रहो। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? क्या हो गया? आप खुद जाके देख रहे हैं। क्या हो गया है? अल्लाह खैर करे। आपको कैसे याद था? वो मैंने निकाहनामे पे आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी थी और मैंने याद कर ली। मैंने कहा एक दिन आपको सरप्राइज दूंगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अब तुमने सोमिया के घर वालों को कॉल करके कल लंच के लिए इनवाइट करना है। परफेक्ट, लेट्स डिग इन द केक, कम। सब बहुत अच्छा है। और ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। थैंक यू। अदन, तुम मेरी बेटी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? मैं मिल गया हूं क्या? काफी नहीं? बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी मर्जी से गिफ्ट लेना है अदन से। फिक्र ना करें, जो कहेंगी इनको दिलवा दूंगा मैं। सोच लें, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं।
हाँ तो वो कह रहा है ना बात मानेगा, बताओ। शीरी को वापस घर ले आए। बेटा वो जा चुकी है अब यहां से और अदन उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। क्या आपका दिल नहीं करता कि शीरी वापस आ जाए? जितना वो खुद को गिरा चुकी है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। तुम जाओ, जाकर अदन को देखो, उसका मूड बहुत खराब हो गया है।